कर यार, ये हो क्या रहा है यार, ये क्या हो रहा है भाई? ओ भाई, इसको रिवर्स करके देखते हैं। माइंड ब्लोइंग, इतना क्यूट लग रहा था भाई साहब। क्या कमाल की लग रही है यार, क्या डोमिनो बना रहे हैं। छोड़ दो, अपने आप दौड़ जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, ये ले लिया हमने वन ये रहा, टू ये थ्री एंड गो। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप लोगों को दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के स्लेटर काफी ज्यादा ताबड़तोड़ अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ टॉय में, जिसमें होने वाली भाई लैम्बोर्गिनी की उरस कार से लेके एक आरसी डोमिनो ट्रेन, साथ ही में होने वाले भाई एक ऐसी बबल गन जिससे कि आप अपने कमरे में पूरे बुलबुले भर सकते हो। सबसे अच्छी बात कि आप नहाते समय ही इन बुलबुलों का इस्तेमाल कर सकते हो। और आज एंड में बल्कि बीच में दे दिया जाएगा 15 लोगों को शाउट आउट, जिसमें से कि हैप्पी बर्थडे शाउट आउट भी शामिल होने वाला, और उनमें से किसी एक को नहीं दो को नहीं बल्कि तीन लोगों को मिलने वाला भाई एक 360 कैलकुलेटर वाली भाई पेंसिल बॉक्स, यानी कि एक हल्क वाली ज्योमेट्री बॉक्स जिसपे स्पाइडरमैन भी बना हुआ है, और साथ ही में एक सरप्राइजिंगली मिलने वाली है टोयोटा की भाई लैंड क्रूजर, जिसकी गेट खुलती है, इसके अंदर साउंड भी चलता है और पीछे से जो है आप इसकी डिक्की वगैरह भी खोल सकती हो। ये एक डाइकास्ट गाड़ी है, तो आज जिन किसी को भी मिलने वाला है उनके बहुत ही ज्यादा बल्ले बल्ले होने वाले है। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पे हैं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, बाजू में दीजिए बेल आइकन को, ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो भाई देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम लोग जो सबसे पहले देखने वाले हैं बिग फन टॉयज की तरफ से आने वाली एक अल्टीमेट बबल गन, जिसके अंदर हमें ये वाटर वाला सॉल्यूशन मिलने वाला है जिससे कि हम बबल बना सकते हैं, और ये एक इलेक्ट्रिक बबल गन होने वाली है, यानी कि इसकी जो पावर है वो बहुत तगड़ी होगी, जिसके अंदर हमें जो है ना बस कुछ बैटरीज लगानी होती है, और यहाँ पर इन्होंने दे भी रखा है कि टोटल इसके अंदर चार बैटरी लगेगी। तो यार अब जो है हम फटाफट से इसको ओपन करने वाले हैं कुछ इस तरह से, और इसका जो लुक वगैरह देख रहे हो, ये एक फैन है जो चलता है और यहाँ से भाई बबल निकलने शुरू हो जाते हैं, और ये इतने बढ़िया बबल निकालते हैं ना, मतलब मैं क्या बताऊं। और ये जो है भाई बहुत ही ज्यादा पक्के वाले मेटल का बना हुआ है, तो इसकी ना टूटने की भी कोई दिक्कत नहीं है, ये काफी लंबा चलेगा। यहाँ पर एक भाई हमें पाइप देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर हमारी लगेंगी 4AA वाली बैटरी। आपको दो स्पेस दिख रहे होंगे लेकिन दो अंदर है। कुछ इस तरह से हमें जो है चारों डबल ए वाली बैटरी लगानी है, और इसके ही बॉक्स में हमें देखने के लिए मिलने वाला भाई ये बबल सॉल्यूशन। तो आज भाई फटाफट से इसको लाइव देखना कि ये मोटर कैसे काम करती है, साथ में इसको कैसे लगाना और इतने सारे बबल निकलते। तो आज मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। इस बार एक ऐसी बबल मशीन बनाई है जो कि मेरे को हेयर ड्रायर की तरह लगती है, लग रही नहीं एकदम हेयर ड्रायर की तरह। इसकी आवाज जो काफी ज्यादा बढ़िया आती है, ऐसा लगता है किसी ने भाई गराजी चला रखी हो। ये देखो भाई साहब, ये ना एक बॉल में बन जाती है, ऐसा लग रहा है जैसे फुटबॉल सी बन गई हो। ओ भाई बस कर यार, ये हो क्या रहा है यार, ये क्या हो रहा है भाई? ओ भाई, इसको रिवर्स करके देखते हैं। माइंड ब्लोइंग, इतना क्यूट लग रहा था भाई साहब, बहुत ही ज्यादा भाई। इसको देख के ना सही में मेरा दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और जो ये बबल निकल रहे ना भाई, ऐसा लग रहा है बबल मशीन नहीं है, बबल जनरेटर हो। ये देखो तो सही यार, इतनी बड़ी बॉल बन गई है। देखो मैं तोड़ने की कोशिश भी कर रहा हूँ हिला के, ये टूट ही नहीं है। तो भाई मैंने इसको और बड़ा कर दिया। ओ भाई रे, ये क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है ये भाई साहब, सच में ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ओ भाई रे, मतलब कि ये जो गन है ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसके अंदर का जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत बढ़िया है। और एक ट्रिक बताऊं आप लोगों को, जल्दी से कान पास मिलाओ, अगर कभी आपका ये खत्म हो जाए ना तो आप सर्फ से भी बना सकते हो। भाई झाग बनाना बहुत आसान है, किसी भी सोप को ले लेना, उसमें जैसे आप हाथ को हिलाओगे तो इसके अंदर इस तरीके से बबल बन जाएगा। तो यानी आप बार बार भर के इसको यूज कर सकते हो, बबल खरीदने की भी टेंशन खत्म। बस इसके अंदर जो चार बैटरीज है वो आपको खरीदनी पड़ा करेगी हर एक महीने बाद, क्योंकि इसकी जो मोटर है वो काफी हैवी है, जिसकी वजह से इतने सारे बबल निकल रहे थे भाई, पूरा कमरा भर दिया। और जब इसको बाहर चला के देखा ना, बाहर भी बहुत औसम चल रही थी। तो ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड है भाई, इसका जो लुक है ना वो सचमुच में वाह वाह वाह। अगर आपको भी इस तरीके की भाई बबल गन्स बहुत ज्यादा पसंद आती है, जिसपे दिल का डिजाइन बना होता है और मोटर से चलती है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है इलेक्ट्रिक बबल गन, ताकि ये वाली इलेक्ट्रिक बबल गन आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो अब इसके बाद बात आने वाले भाई हमारी एक डाइकास्ट मेटल वाली गाड़ी की, और ये एक रॉक क्रॉलर गाड़ी है जो भाई कहीं पे भी बड़े आराम से चढ़ सकती है। इसके अंदर सारे पार्ट मेटल के हैं, साथ ही में ये पुल बैक फंक्शन के साथ आती है, यानी पीछे की जो ऑटोमेटिक आगे जाती है, काफी सारे कलर्स में आती है, जिसको हम फटाफट से निकाल के देखने वाले। ये देखो भाई कितना ज्यादा असली लुक आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि रोड पर ये खड़ी हुई है शोरूम के अंदर। इसका जो साइज वगैरह ना यार वो भी काफी ज्यादा बड़ा है। और ये जो कोई गाड़ी है ये कोई थार वगैरह नहीं है भाई, ये है एक हमर गाड़ी, क्योंकि हमर जो इतनी बड़ी होती है, आप देख सकते हो उसकी चौड़ाई वगैरह। और ये जो है ना भाई गाड़ी के पीछे से डिटेल, आगे से डिटेल, हर एक जगह से बहुत ही ज्यादा अच्छी दे रखी है। ऊपर एक सनरूफ देखने के लिए भी मिलता है, और इसके जो टायर है वो एकदम मॉन्स्टर कार जैसे, जिसको मॉन्स्टर ट्रक बोलते हैं। तो ये जो दोनों के दोनों टायर है वाकई में बहुत तेज चलने वाले, और ये 4x4 है, यानी कि इसको पीछे खींचना है इस तरीके से, और जैसे छोड़ते हैं तो ये गोली की तरह भागते हैं। तो भाई आ जाओ एक लाइव डेमो पे। हमारी रॉक क्रॉलर व्हाइट वाली हमार आ चुकी है, और ये काफी ज्यादा एक मॉन्स्टर ट्रक सी लग रही है भाई। ये देखो कितनी तगड़ी है, बहुत सॉलिड है। अगर एरिया बहुत ज्यादा ना, जगह बहुत सारी, तो वहां पे भाई दबा के इसको चला सकते हो, पीछे की तरफ खींचना और पुल बैक छोड़ दो, अपने आप दौड़ जाती है भाई रे।
इसकी जो स्पीड है वाक्य में सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ है भाई। ये अगर आगे से भी टक्कर खाए पीछे से भी खाए ना तो ये टूटने वाली नहीं है, क्योंकि ये एक मेटल की बनी हुई है। और डाईकास्ट वाली गाड़ियों की यही एक खास बात होती है कि एक तो ये बहुत ही ज्यादा गोली की तरह चलती है और ऊपर से जो इनके लुक वगैरह होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा तगड़े होते हैं। ये अंदर सीटें देख रहे हो कितनी सारी बनी है, मतलब भाई 11 से 12 लोग इसके अंदर बड़े आराम से बैठ सकते हैं। इतने तो थार में और बुलेरो में भी नहीं आएंगे जितने इसके अंदर बड़े आराम से आ सकते हैं। अगर आपको भी इस तरीके की भाई मेटल की डाईकास्ट गाड़ियां पसंद है वो भी रॉक क्लोर जैसी, तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वाओ लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है मेटल वाली हमर कार, ताकि ये वाली मेटल की हमर कार आपको मिल सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये ले लिया हमने अपने हाथ में भाई आज के दो शॉर्पनर और एक इरेजर। ये एक कुकी वाली इरेजर जिसको ऐसे करिए आराम से जो हम ताली इसकी क्रीम छुड़ा के खा सकते हैं। और साथ ही में ये जो इरेजर है काफी ज्यादा प्यारी है, तो इसको ना आप अपनी पॉकेट वगैरह में बड़े इजीली रख सकते हो, ये मिलेगी भी नहीं किसी को। और ये जो है भाई ये कह रहा है यो मैन, तो भाई यो यो लगता है हनी सिंह का बहुत बड़ा फैन है। ये देख सकते हो जीप भी चढ़ा रहा है और ये एक स्वैग वाला शॉर्पनर है, यानी इसको पीछे से मोड़ोगे तो यहाँ से आप पेंसिल शार्प कर सकते हो, उसके बाद जब लंच हो तो यहाँ से सारा का सारा डस्ट डस्टबिन में डाल सकते हो। और जो दूसरा ये एक हंस है यानी कि स्वान, इसकी आप ये देख भी सकते हो ना ऊपर ही बनी हुई है, और ये बहुत ही प्यारा स्वान है यानी कि हंस है, और ये भी एक शार्पनर है। आप सोच रहे हो कि यार ये मैंने पूरा घुमा दिया तो इसकी पेंसिल कहां से छिलेगी, तो पेंसिल यहां से छिलने वाली है। और उसके बाद आप इसको भी इस तरीके से खोल के बड़े इजीली जितना भी डस्ट होता है वो सारा का सारा आप डस्टबिन में फेंक सकते हो और इसको आप वापस से यूज में ले सकते हो। अगर आपको ये दोनों के दोनों शार्पनर और प्लस में ये बिस्किट वाली इरेजर पसंद है तो अपने नाम के आगे वाओ लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है 2 शार्पनर + 1 इरेजर, ताकि तीनों चीज आपको गिव अवे हो सके। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हमारी डोमिनो ट्रेन से पहले एक लैम्बोर्गिनी उरस जो रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन बहुत ही ज्यादा चलाते हैं। ज़ूम पीप पीप। तो भाई ये जो है हमारी एक शोरूम वाली चमचमाती हुई लैम्बोर्गिनी उरस गाड़ी हमारे हाथ में आ चुकी है। तो इसका लुक जो भाई कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, और ये देखो यार एक बार इसके टायर को, और साथ में भाई इसकी ना पीछे की टेल लाइट वगैरह देखो एकदम असली वाली लैम्बोर्गिनी की उरस की तरह है इसकी लाइट। और इतना ही नहीं यार ये जो टंकी की डिटेल वगैरह देखोगे, शीशे की डिटेल, लॉक खोलने का तरीका, सब कुछ एकदम असली की तरह है। और इनके टायर भाई MRF के टायर को भी फेल करते हैं। और पीछे से जो शीशा देख रहे हो ना भाई कितना ज्यादा उठ के ऊपर की तरफ से आ रहा है, और ये नीचे की तरफ आके पूरा का पूरा मिल जाता है। और इसकी जो हेडलाइट वगैरह वो भी गजब तरीके से जलने वाली है, जिसकी वजह से इसको इतनी पावर मिलती है ना भाई कि ये अंधेरे में तो दिखती है, साथ ही में दिन में ज़ूम ज़ूम करती हुई जाती है, और ये आपके पास बहुत ही तेजी में आने वाली है। तो इसके अंदर हमारे को इसकी पावर देने के लिए कुछ बैटरीज लगानी होंगी। तो ये जो गाड़ी है अब हमारी पूरी तरीके से तैयार होने वाली है। इसके रिमोट कंट्रोल के अंदर भी हमारी 2AA बैटरी लगती हैं, और उसके बाद जो है भाई ये रिमोट भी हमारा तैयार है चलने के लिए। और यहाँ पर आप देखोगे ना तो भाई मेटल के लिए, और अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये देखो भाई मेटल का तार दे रखा बहुत बड़ा, यानी कि ये जो एंटीना है ये मेटल का, जिसकी वजह से इसके सिग्नल इतने तेज आने वाले हैं कि इस गाड़ी को हम दूर से भी चला सकते हैं। और भाई ये मैंने सुना है कि ये गाड़ी ना 360 डिग्री गोल गोल भी घूमती है, यानी कि स्टंट भी करके दिखाने वाली है हम लोगों को। और इसको यहाँ से भाई फटाफट से कर लेते हैं ऑन, और अब उसके बाद इसके थोड़े बहुत देखते हैं भाई टायर वगैरह कैसे चल रहे हैं। ओ भाई इसके सारे गियर वगैरह भी काम कर रहे हैं, और ये देखो भाई टायर जो भाई राइट में लेफ्ट में दोनों जगह हो रहा है, और एक बार हेडलाइट देखते हैं, माइंड ब्लोइंग। तो भाई आज मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। मैं तो दो चीजों के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एक तो यार इसका जो गुड लुक है वो तो मुझे भाया ही, साथ ही साथ मेरे को दो चीजें देखनी है, एक केस की जो अंधेरे में हेडलाइट है वो कितनी ज्यादा रोशनी करने वाली है, और दूसरा इसकी स्पीड। ओ भाई यार ये देख रहे हो मतलब ये कितना ज्यादा से तगड़ा उजाला कर दिया, ऐसा लग रहा है किसी ने टॉर्च जला रखी है। ओ माय गॉड, वो इसकी रेस भी भाई साहब काफी ज्यादा तगड़ी है, व्हील काफी अच्छे तरीके से इसके घूम रहे हैं, और इसका कलर जो है इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहा है। कुत्ता ही बवाल चीज है भाई साहब, दुम्मा उठा दिया यार। क्या है ना कि कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये जो गाड़ी है इसकी हेडलाइट देख रहे हो भाई कितनी तगड़ी चमचमा रही है, यहाँ से रोशनी दिख रही है, मतलब जब आप अपने कमरे में अंधेरा करके देखोगे ना तो देखो रोशनी जाती हुई दिख रही है ना, इतनी तगड़ी इसकी लाइट जल रही है, और ये लुप लुपाती भी है, लुप 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 लुप। ओ भाई साहब मतलब कार आंख मार रही है, ओ कार आंख मारे भाई, इसकी हेडलाइट वाओ, इसका कलर वाओ, इसके व्हील वाओ वाओ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। यार इसके जो शीशे है ना मुझको ये भी बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे हैं, इतनी छोटे छोटे क्यूट से शीशे दे रखे, और जो इसकी टेल लाइट वगैरह है बहुत ही ज्यादा ऑसम है यार, मतलब बहुत असली लुक आता है, और ये व्हील इतने नए लगते हैं क्या होता है, ऐसा लग रहा है शोरूम से ना किसी ने एकदम नई गाड़ी खरीदी हो। अगर आपको इस तरीके की RC कार्स पसंद है वो भी लैम्बोर्गिनी उरस जैसी जो कार्तिक आर्यन चलाता है, BTS वाले चलाते, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाओ लिख देना, और उसके आगे आप लोगों को लिखना है लैम्बोर्गिनी उरस, ताकि ये वाली RC कार आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं अब इसकी जगह पे। तो अब आ गई हमारे हाथ में एक ऐसी RC ट्रेन जिसका था सभी लोगों को इंतजार, क्योंकि इसके अंदर LED लाइट से लेके चलने वाला म्यूजिक, साथ ही में मिलने वाले हमको कुछ डोमिनो, जो कि भाई ये ट्रेन आगे चलती जाएगी, और ये जो आप दिख रहे हो ना जितने भी डोमिनो रखे ये खुद पे खुद खड़े होने लग जाते हैं, तो भाई ये ज्यादा कंफ्यूज नहीं करने वाला, इसको फटाफट से हम इसको निकाल लेते हैं। ये रे भाई इसके कुछ डोमिनो, ये रे इसकी स्टिक जो आप देख सकते हो, इसके अंदर ऑलरेडी मैंने काफी सारे डोमिनो भर के रख रखे हैं, बाकी लाइव भी आपको दिखाने वाला हूं कैसे भरना है। और ये है भाई हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि हमारी एक छुक छुक वाली ट्रेन जिसको बोलते हैं डोमिनो ट्रेन, ये कितनी क्यूट लग रही है, ऐसा लग रहा है कोको मेलन चूचू मेलन पे जो देखते ना वही वाली
भाई साहब, इसको देख के सही में मन कर रहा है कि तो पप्पी कर दी जाए। कुची कुची बहुत ही ज्यादा क्यूट है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास, ये जो कांच है इसके अंदर एलईडी लाइट जगमगाने वाले, जिससे कि ना आपके फर्श पे लाइट पड़ती तो ऐसा लगता है अंधेरे में कि भाई सच में कोई ट्रेन निकल रही है। यहाँ पर एक साउंड सिस्टम दे रखा है, आप देखोगे छोटा सा स्पीकर है, इधर एक बटन दे रखा है भाई, अब पता नहीं है किस लिए क्या करने वाला, छुक छुक वाली आवाज आती होगी शायद इसके अंदर से। और इसके अंदर के जो पार्ट है ना भाई, इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंट कांच है इसकी वजह से ना इसके अंदर के जितने भी अंजर पंजर है सारे में यहाँ से दिख रहे हैं। और इसके अंदर ये देखो भाई, एक नहीं दो नहीं बल्कि भाई टोटल छह टायर होने वाले हैं, एक दो तीन और तीन दूसरी तरफ, और यहाँ से डोमिनो निकल के खुद पे खुद खड़ा होने वाला है। तो कंफ्यूज ज्यादा नहीं करने वाला भाई, इसका एक लाइव डेमो देने वाला, उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके अंदर लगने वाले भाई हमारी सिर्फ दो ही डबल ए बैटरी, और यहाँ पर जो ऑन ऑफ का सिस्टम है वो वही वाला बटन है जहाँ से हम बता रहे थे कि ये मुझे लगा खो तो नहीं गया ये रहा। जैसे इसको दबाएंगे ना, ये देखो एक एक अंजर पंजर ना इसका जलता हुआ हमें दिखेगा और चलता हुआ भी दिखने वाला है। अब बारी आती है कि ये जो हमें बार दे रखा है स्टिक से, इसके अंदर हमें डोमिनो कैसे लगाना। तो हमें तीन रंग में मिलते हैं, रेड में, ग्रीन में और येलो में। तो सबसे पहले जो है हम भाई ग्रीन कलर लगाते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, आपका जो सा फेवरेट कलर हो भाई वो पहले लगा सकते हो। अब ये आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा हमने भर दिया टाइम बचाने के लिए, ऑलरेडी मैंने काफी पहले भी भर रखे थे। अब ना सिर्फ इतना सा कि ये जो आप स्पेस देख रहे हो यहाँ पर हमें इस स्टिक को इस तरीके से लगाना है, और जैसी आवाज आएगी समझ लेना लॉक हो गया। और अब एक बार इसका लुक देखो, ये ट्रेन कितनी ज्यादा बड़ी लग रही है ना, बहुत ज्यादा बड़ी। तो भाई कंफ्यूज मत हो, आज मेरे साथ, मैं आपको इसका लाइव सिस्टम समझाने वाला हूँ। ये हमारी डोमिनो ट्रेन जो है तैयार हो चुकी है। ओ माय गॉड, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। ओ वाओ गाइस, भाई कमाल हो गया यार, क्या कमाल की लग रही है यार, क्या डोमिनो बना रहे हैं यार, ओए यार क्या ऑटोमेटिक डोमिनो रखे जा रहे हैं। ओ भाई साहब, क्या गजब चीज है यार, भाई रे कतई बवाल यार, कमाल हो गया ये ट्रेन तो भाई साहब, बहुत बेमिसाल निकली। ओ भाई साहब ये देखो लाइव निकल के गिर रहे हैं भाई साहब, इस तरफ से देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो भाई साहब, मतलब क्या ही चीज है ये बहुत ही ज्यादा गजब के भाई, सॉलिड सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाली निकली आ रही तो ट्रेन। और ये जो ट्रेन है भाई, एक तो बहुत मजबूत है, इसकी क्वालिटी आपको देखने से पता चलेगी, प्लस में 3D डिजाइन बना हुआ और काफी ज्यादा HD वगैरह इसके ऊपर पेंट कर रखा, मतलब पूरा खर्चा कर रखा है, इसीलिए शायद ये इतनी ज्यादा महंगी है। और इसी के साथ ये जो बायस्टिक वगैरह आती है, डोमिनो आते हैं, ये काफी तगड़े लगते हैं, ऑटोमेटिक खड़े होने लग जाते हैं, तो भाई कुछ सेटिस्फाइंग सा होता है, दिल को थोड़ी तसल्ली सी मिलती है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो अगर आपको इस तरीके से भाई और सी ट्रेन वगैरह बहुत अच्छी लगती है, डोमिनो ट्रेन अच्छी लगती है, तो आपको अपना सबसे पहले नाम लिखना, उसके आगे वाव लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है डोमिनो वाली ट्रेन, ताकि ये डोमिनो ट्रेन आपको गिव अवे हो सके, जो कि बटन से चालू होती है और बटन से ही भाई वो रुक भी जाती है। तो इसको रखते हैं अब इसकी जगह पे। ये ले लिया हमने अपने हाथ में हॉट व्हील्स की तरफ से आने वाला 1, 2, 3, 4, 5 डाईकास्ट वाली गाड़ियों का सेट, जो की सारी की सारी होने वाले प्रॉपर मेटल की, जिसको हम फटाफट से भाई अनबॉक्स करने वाले। और ये जो सारी गाड़ियां ना भाई, देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने वाले। सबसे पहले मेरी नजर इसी पे जा रही है, क्योंकि ये भाई एक बहुत बड़ा जंबो ट्रक, और इसके ऊपर आप देखोगे ना तो भाई साहब पता नहीं कौन सी मशीनें लगी हुई है, कौन सी तो ट्रांसफॉर्म टाइप का ये दिख रहा है, कुछ लेके जा रहा है बहुत भारी भरकम। और इसके जो व्हील वगैरह ना, ये देखो इसके अंदर जंबो व्हील लगे हुए हैं, बड़े वाले टायर, आगे छोटे वाले लगे हुए हैं। और पता है हॉट व्हील्स वालों की एक स्पेशियलिटी कि भाई ये जो नीचे देते हैं ना भाई, चेसी पे काम करके देखो, पूरी की पूरी ना सिल्वर बनाया था, लगता है कि चांदी की तरह कोई बॉडी बनाई हुई इन्होंने, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रॉपर डाईकास्ट मेटल का है। तो ये ट्रक तो काफी ज्यादा बढ़िया निकला। दूसरी जो हमारी गाड़ी है, ये एक MUV कार है, जिससे भाई आप अपने जो है अलग अलग तरीके के काम कर सकते हो, जैसे जंगल के अंदर भाई आपको घूमना फिरना है तो वहां घूम सकते हो। देखो इस पे भी डाईकास्ट लिखा हुआ, और ये भी प्रॉपर मेटल की बनी हुई है। लेकिन यार वेट, ये देख रहे हो टायर का इसका कलर भाई कितना प्यारा लग रहा है यार ये देखो भाई, ये गोल्डन, ये व्हाइट है, ये गोल्डन, ये व्हाइट, और ये व्हाइट है, और ये ग्रीन, मतलब भाई साहब टायर भी पूरे कलरफुल दे रखे हैं। तो ये इसके साथ साथ ये देखो भाई, आप लोगों ने अगर ये वाली मूवी देखी तो मुझे जरूर बताना। यहाँ पर ये दो इन्होंने बहुत बड़े बड़े कास्ट आयरन वाला सिस्टम लग रखा है, ये किसी फैक्ट्री के अंदर सप्लाई करने जा रहे हैं। और ये आपने भाई मैड मैक्स फ्यूरी के अंदर देखी होगी, जिसको कि भाई मॉन्स्टर ट्रक बोला जाता है, और अंदर स्टीयरिंग व्हील, सीट वगैरह सब कुछ बना हुआ है। ये गाड़ी भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, और इसके तो भाई क्या ही कहने, ये 66 मॉडल है, यहाँ पे भी डाईकास्ट की ब्रांडिंग दे रखी है। और ये देखो भाई साहब, मतलब एकदम ऐसा नाव की तरफ, बाहर की तरफ आ रही है, और ऊपर से भी यार इनके अलग ही लुक आ रहे हैं, वो ये ना कि मेटल के होने की वजह से बहुत ज्यादा प्यारी दिखती हैं। और मेरे को बहुत देर से ना ये नजर आ रही है, ये गाड़ी देखो यार एक बार, अगर आप इस तरफ से देखोगे ना तो ये ऐसा लग रहा है कि इधर की तरफ से इसका बोनट निकला है, लेकिन नहीं भाई, ये पीछे ऊपर सामान रखने की जगह है, आगे से है, मतलब की ये गाड़ी, ये देख रहे हो, ये एक भाई साहब ऐसी डाईकास्ट गाड़ी है जिसके अंदर आप सामान वगैरह रख के लेके जा सकते हो, जैसे कि हम इसके अंदर अपनी छोटी वाली इरेजर रख के लेके जा सकते हैं। तो ये भी बहुत प्यारी, और भाई इसके
टायर्स है ना, ये देखो यार इसका लुक ग्रीन कलर का बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। और नीचे की जो चेसी है ये तो भाई लगती है बहुत प्यारी। तो अगर आपको ये पांचों की पांचों भाई डाइकास्ट गाड़ियां पसंद आई तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वाव लिखना है, उसके आगे आपको लिखना है हॉट व्हील्स 5 डाइकास्ट कार, ताकि ये वाली पांचों की पांचों डाइकास्ट गाड़ियां आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं अब इसकी जगह पे। तो ये ले लिया भाई हमने अपने हाथ में एवेंजर्स एंड गेम की तरफ से आने वाला एक स्पाइडरमैन, जिसका भाई लुक वगैरह देखोगे ना तो इसके बॉक्स का भी लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इस पे हल्क से लेके आयरन मैन, थॉर, थैनोस, कैप्टन अमेरिका तक सब कुछ बना हुआ है। तो ये रहा हमारा स्पाइडरमैन। और ये स्पाइडी देखो भाई सब कैसे सीना तान के खड़ा हुआ है, कितना ही ज्यादा कूल लग रहा है। अब बारी आती है बाहर निकलने की। ये देखो भाई कैसे घूर रहा है हमें भाई क्या करके मानेगा। तो भाई ये जाला फेंक के मानेगा। यहाँ पर हमें बटन देखने के लिए जो मिलता है ना उससे इसकी लाइट जलने वाली, और लाइट भाई काफी ज्यादा तगड़ी है, मतलब अंधेरे में इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। और साथ ही में इसका जो सूट वगैरह जो कस्टमाइज कर रखा ना, डिटेल देखो भाई एकदम 3D और HD वाला प्रिंट कर रखा जो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। इसके हैंड की पूरी मूवमेंट होती है यार, और लेग्स वगैरह की भी इसकी अच्छी मूवमेंट होती है। और ये एक बड़ा वाला स्पाइडरमैन है जो आपके पूरे हाथ पे नहीं आने वाला, ये हाथ से भी बाहर आएगा। और इसके साथ हमें एक वेब देखने के लिए मिलता है जिसको कुछ हम जो है इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी इस तरीके से भाई स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा पसंद है तो आपको अपना नाम लिखना, क्या वाव लिख देना, और क्या आपको लिखना है स्पाइडरमैन एक्शन फिगर, ताकि ये वाला स्पाइडरमैन आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये आ चुके हमारे हाथ में भाई एक 3D लाइट वाली गन। इसके अंदर LED लाइट तो जलती है, साथ ही में भाई इसके अंदर ना म्यूजिक भी चलता है, और इसके जो फोम है वो उड़ने लगते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पर ना एक फैन दे रखा है, तो जो कि भाई बहुत गजब लगता है। और यहाँ से इसके साउंड भी निकलता है बहुत तगड़ा। लेकिन उससे पहले इसको ओपन करके हमें इसके अंदर लगाने हैं डबल बैटरी कुछ इस तरह से, और उसके बाद भाई आप इसको जैसे चालू करोगे तो इसके अंदर से साउंड आता है है ना ना कितना तगड़ा। और यहाँ पर देखो एक लाल कलर की LED लाइट भी जल रही है। तो भाई एक बार ना भाई लाइट्स को ऑफ करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या कमाल होने वाला है। तो भाई लाइट्स को करने वाले हैं ऑफ। तो ये देख सकते हो आप इसके अंदर इस तरीके से कुछ लाल कलर की लाइट जलती है जो बहुत तेज चल रही है, और धू 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 करके ये आवाज निकालती है। और भाई फोम तो ऐसे चल रही है जैसे कि इसके अंदर ना हमने कोई जूसर मिक्सर चला दी और मिक्सी की तरह चल रही है भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी एक्सपीरियंस है। ये देखो इतनी तेज की इसकी फोम उड़ रही है ना भाई, में क्या होता है ऐसा लग रहा है कि अंदर आंधी तूफान चल रहा है। और जो इसका साउंड है धाय 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 करके, इसके अंदर भाई 5-6 तरीके के अलग अलग साउंड बजते हैं जो आपने गन में देखे होंगे। और ये जो ट्रांसपेरेंट कांच है इसकी वजह से ना हमें अंदर की वो पंखुड़ी दिखती है भाई, वो फैन दिखता है घूमता हुआ। ये देखो यहाँ पर जो आप देख रहे हो छोटी सी कील, वो एक्चुअल में मोटर है जो इसको बहुत तेज घुमाती है इस तरह से। और ये फारी की सारी फोम जो है भाई बहुत तेज में उड़ने लगती है। तो अगर आपको इस तरीके की भाई गन बहुत पसंद है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट कांच लगा होता है, पक्के वाले मेटेरियल की बनी होती है, उसके अंदर LED लाइट जलती है, म्यूजिक चलता है, और वो इलेक्ट्रिक से चलती है यानी कि 2 सेल से चलती है जिसकी वजह से इसको पावर मिलती है, और भाई फोम तो पूछो मत आंधी तूफान की तरह उड़ती है। तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है LED लाइट वाली गन, ताकि ये LED लाइट वाली गन आपको मिल सके। तो इसको रखते भाई इसकी जगह पे। तो बात जब गन की चली रही है तो हमारी गियर वाली गन कैसे पीछे रख सकती है। ये भाई एक इलेक्ट्रिक वाली मैकेनिकल गन जिसके ट्रांसपेरेंट कांच के अंदर जितनी भी गरारी आप देख रहे हो सारी की सारी आपको चलती हुई दिखने के लिए मिलेंगी। LED लाइट भी इसके अंदर जलती है, प्लस में साउंड चलता है, क्योंकि ये जो बटन आप देख रहे हो ये 2 बार दबाते हैं। तो भाई ज्यादा कंफ्यूज मत हो, मैं आपको समझाने वाला। तो इसको निकालने वाले हम इसके बॉक्स से कुछ इस तरह, जिसके बाद आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पर भी एक LED लाइट निकल रही है जिसके अंदर से भाई प्रोजेक्टर की तरह लाइट निकलती है। यहाँ पर आपको अलग अलग रंग में देखने के लिए मिलने वाले, जैसे कि भाई पिंक में, ब्लू में, येलो में, ऑरेंज में, बहुत सारे अलग अलग कलर में मिलते हैं। जो इसकी मैगजीन है ना ये भी बहुत सॉलिड है। और मैं इस बटन की बात कर रहा था, जब आगे आप करते हो इसके अंदर तो LED लाइट जलती है, और एक बार और आगे कर दोगे तो भाई धू धू की आवाज आती है यानी कि गोली मारने वाली साउंड से लेके अलग अलग तरीके की आवाज आएंगी, और गियर भी चलेंगे इसके, और साथ में फिर LED लाइट भी चलती है, सारे फंक्शन इसके ऑन हो जाते हैं। और यहाँ से भी आप देखोगे तो ये जो है भाई बहुत ज्यादा बड़ी एक गन है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है जिसकी वजह से बहुत अच्छी लगती है। और जैसे इस बटन को दबाते तो भाई आवाज आती है एकदम मैगजीन निकलने की कुछ इस तरह। और अब इसके बाद इसको एक मैगजीन मत समझना, क्योंकि इसके अंदर हम भरने वाले हैं अपनी गोलियां। ये 1, 2, 3, 4 से लगेंगे यानी कि इसके अंदर लगेंगे हमारी 4 गोली। इसको जो हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे और अब भरने वाले हम अपनी 4 गोली, और इसका जैसे लॉक करोगे तो भाई आवाज आ जाएगी। तो समझ जाना कि ये कैप इसका लॉक हो गया है। तो अब ये तैयार है भाई, जैसे इसको लोड करेंगे ना गन में तो आवाज बहुत सॉलिड आती है यार। अरे भाई रे बहुत ही ज्यादा सॉलिड आवाज है। तो अब हम जो है भाई इसका एक लाइव डेमो लेने वाले, तो आज मेरे साथ लाइव आराम से भाई निशाना लगा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। एक बार और ऑन करें, ये देखो भाई। तो ये देख रहे भाई इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है, इसकी जो लाइट वगैरह ना काफी ज्यादा फ्लैशी है, और एक एक गरारी जो है ना भाई मूव करते हुए दिखती है, जिसके से पता लगता है कि भाई ये गरारी किस तरीके से चल रही है। ओ माय गॉड
तो इसके बारे में एक चीज क्लियर हो गई, ये नाराज कलर धाए धाए धाए, ये एक सुपर वाली गन है। और भाई साहब ये जो इसका नोजल है ना, ये आप एक बार देखोगे पास से तो ऐसा लगे कि भाई कितना ही प्यारा इसका लुक आता है, क्योंकि इसका जो ग्लास है ना वो काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का इन लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है। और इसी वजह से जितनी भी हमारी गरार है ना भाई, ये क्लियरली हमें दिख पाती है और ये मैकेनिकल अच्छे से वर्क करते हैं। और ये जो इसके दो बटन दे रखे हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर सिर्फ इसका एलईडी लाइट देखने का मन है तो भाई इसको यहाँ पर कर दो, और अगर आपको लाइट और साउंड दोनों सुनने और ये गरारी भी चलती हुई देखनी है तो बिल्कुल इसको आगे कर देना, और इसको बंद करना है तो बिल्कुल लास्ट में कर देना है ना। कितनी मतलब मल्टी फंक्शन है यार, एक आधे फंक्शन नहीं है, तीन तीन चार चार फंक्शन है। और साइज देखोगे तो ये आपके हाथ से भी ज्यादा बड़ी और मेरे हाथ से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो अगर आपको इस तरीके की इलेक्ट्रिक वाली पावर गन पसंद है, जो गियर गन होती है जो कि इस तरीके से कांच में आती है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है इलेक्ट्रिक गियर गन, ताकि ये वाली इलेक्ट्रिक गियर गन आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये आ गया हमारे हाथ में भाई आज की हमारी एक वाटर गेम, जिसके अंदर हमें एक नहीं बल्कि आज मिलने वाले दो दो बटन और दो इसके अंदर डंडी है, जिसके अंदर हमें 20 से 25 छल्ले मिलने वाले और इन दोनों डंडी के अंदर डालने हैं। और सिर्फ 5 सेकंड चैलेंज होने वाला। और इसकी क्या अच्छी बात है कि ये एक तो भाई पॉकेट में आपके बड़े इजीली आ सकती है, और दूसरी चीज अगर इसके अंदर कभी पानी कम हो जाता है तो रबड़ निकाल के आप इंजेक्शन से इसके अंदर दोबारा पानी फिल कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको चाबी का छल्ला भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्पेस दे रखा है, आप अपनी बैग वगैरह में भी टांग सकते हो। तो भाई 5 सेकंड जो चैलेंज है वो होने वाला है शुरू। तो भाई 1 2 3 एंड लेट्स गो। 1 2 3 4 और ये 5 भाई। पहले जो इसके अंदर चल लेते ना वो निकल निकल के इधर की तरफ चले गए, लेकिन 2-3 इसके अंदर आ गए। तो हम टोटल गिनने वाले कि इसके अंदर कितने हैं। इधर आप अगर देखोगे तो 1 2 3 4 टोटल भाई 4 हमारे छल्ले हैं। शायद ये जो बैंगनी वाला देख रहे हो ना पर्पल, ये वाला भी इसके अंदर आ सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, 5 सेकंड के अंदर अंदर भाई इसके अंदर 4 छल्ले हमारे आए हैं। और भाई अगर ये देखोगे ना सीनरी, तो यहाँ पे देखो यार एक बार, मतलब हल्क बना हुआ है, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन है, पीछे एवेंजर का लोगो भी है। अगर आप में से किसी को भी ये लगता है कि आप 5 सेकंड के अंदर अंदर 4 नहीं बल्कि 5 छल्ले डाल सकते हो, तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वाव लिख देना, उसके आगे आपको लिखना एवेंजर वाली वाटर गेम चैलेंज एक्सेप्टेड, पर अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। तो उसको रखते हैं इसकी जगह पे। और ये ले लिया हमने भाई अपने आज के दो की चेन। सबसे पहले ये वाला, ये देखो कितना छोटा सा इसके अंदर नोट है भाई, ये 10 का नोट है। ये 50 का नोट है, ये 100 का नोट है, ये 200 का नोट है, और ये 500 का नोट, और भाई ये 2000 का नोट। नोट तो बिल्कुल असली बना रखे, लेकिन ये बहुत छोटे, किसी भी दुकान में चलाने जाओगे तो भाई पकड़े जाओगे, मार लगेगी वो भी बहुत वाली तगड़ी। तो इसको लेकिन हाँ, अपने बैग के चैन का चाबी का छल्ला बना सकते हो, ताकि इसको पकड़ के जूम करके आप अपनी स्कूल की चैन खोल सको, और अपने भाई कॉपी किताब बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो अगर आपको इस तरीके के नोट वाले की चैन पसंद है, तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है नकली नोट वाला की चैन, ताकि ये नकली नोट वाला की चैन आपको गिव अवे हो सके। और साथ ही में आपको अगर इस तरीके की चेन भी पसंद है तो भाई बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले भाई मैं इसके बारे में बात करूंगा। इसके अंदर आप देखोगे ना भाई आठ, देखो कितनी अच्छी करी गई है, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना भाई पासा, जिसको हम बोलते हैं डाइस, यहाँ से इसके अंदर छेद करके ये वाला कील को यहाँ पर डाला गया है, और ये यहाँ से लॉक करी गई है, ताकि इसका की चेन बना सके। इसके अंदर भाई 5 से 6 हर एक इसके अंदर है भाई। मेरा तो हमेशा या तो 1 आता है या 4 आता है, 6 मेरा बहुत ही कम आ पाता है। और जो दूसरा वाला ये मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, और बहुत सुंदर भी है यार ये। इसके अंदर भाई सेम इन्होंने कला दिखा रखी है, इन्होंने यहाँ से कील को निकाल रखा है यहाँ से, और इसके अंदर जो आप देखोगे ना सारे गड्ढे उभरे हुए लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है बिल्कुल 3D बना रखा है इन्होंने, और फुल HD में है ये। और भाई मेरे तो इसके अंदर 6 कभी आते ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके 6 बहुत ज्यादा आते हैं, और आप 6 लेके आ सकते हो, वो भी 2 नहीं 3 बार कम से कम, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना 3D डाइस वाला किचन, ताकि ये 3D डाइस किचन आपको गिव अवे हो सके। तो अब इसके बाद देखने वाले हम अपनी मिनियन की पेंसिल वाली केस। ये ले लिया भाई हमने अपने हाथ में हमारी मिनियन की पेंसिल केस, जिसके ऊपर हमारे को सबसे क्यूट और सबसे शरारती वाला एक आंख वाला जो करेक्टर वो देखने के लिए मिलता है। और ये देखो भाई दूसरा जो छुटकू सा है, ये 3-4 बार लेके घूम रहा है, दूसरा वाला भी, इन्होंने देखो भाई सीधा अपने हाथ में कोई छोटी मोटी कैन नहीं ले रखी, मतलब रॉकेट लॉन्चर ले रखा है कि एक ही बारी में बजूका चलाओ और सामने वाले को उड़ा दो। और भाई ये जो पेंसिल का जो लुक है ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। इसकी जो जिप वगैरह बिल्कुल बहुत बढ़िया, अटकती नहीं है, फंसती नहीं है, और सबसे अच्छी चीज के इसके अंदर इतना स्पेस है ना भाई, ये मतलब अगर ये 8-10 पेन भी आप इसके अंदर डाल दोगे ना, तब भी इतना स्पेस बचेगा कि एक स्केल, एक कंपास वगैरह, स्केच कलर तक आ सकते हैं। ऊपर से ये इतना हिस्सा इसका और खाली रह जाता, तो यानी आप इसमें पैसे वगैरह, इरेजर वगैरह, शार्पनर वगैरह कुछ भी बड़े आराम से रख सकते हो। और सबसे सीक्रेट बताओ, कान पास मिलाओ, आपने इसके अंदर वो जो हॉट व्हील वाली गाड़ी रखी है ना, उसको भी इसके अंदर रख सकते हो। और भाई इसके बाद ना जिप भी बड़े आराम से बंद हो जाती है, और जिस दिन आपका एग्जाम है तो इसको ना तो भाई बैग में रखने की झंझट, ना इसको आपको सोचना पड़ेगा कि इसको कहां पे मैं रखूं, कुछ नहीं करना, इस तरीके से फिंगर में डाल लेना, और इस तरीके से भाई इस पेंसिल के इसको हिलाते हुए लेके जाना, और ऐसे घुमा देना एकदम टसन में, और उसके बाद जैसे बैठ नीचे पे बैठोगे तो भाई इस तरीके से लिखने लग जाना। सब पूछेंगे कि भाई इतनी बड़ी पेंसिल से कैसे लिख रहा है, तो बता देना कि ये जो है एक सिर्फ ज्योमेट्री बॉक्स है यार, पेंसिल केस है, एक्चुअल में सामान तो मेरा इसके अंदर है।
है। तो यार सही में यार इसके अंदर स्पेस बहुत है, तो अगर आपको भी इस तरीके की पेंसिल केस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, जो लुक में भी बहुत अच्छी होती है और इसका क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना मिनियन वाली पेंसिल केस या फिर ज्योमेट्री बॉक्स, ताकि ये वाली पेंसिल केस आप लोगों को गिव अवे हो सके, जो बहुत ज्यादा एचडी भी है और ये काफी ज्यादा बड़ी भी होने वाली है। इसके अंदर पेन भी चलो आपको दे देंगे, जो 10 के 10 पेन है वो भी रख लेना, तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और गेम भाई एक नहीं बल्कि दो दो होने वाली है, एवेंजर वाली तो थी, एक वाटर गेम और हमारे पास ये ब्लैकबेरी वाला फोन जिसके ऊपर आप बड़े आराम से टाइपिंग वगैरह कर सकते हो, और इसके अंदर भी हमें दो बटन मिलने वाले। तो भाई 5 सेकंड चैलेंज हो गया शुरू, 1 2 3 4 5। अबे एक तो आजा, अबे भाई मोए मोए हो गया अपना यार, मोरे मोरे। इसके अंदर एक भी छल्ला नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? पीछे भाई एक फॉरेस्ट का सीनरी बनी हुई है, जंगल बना रखा भाई बकायदा, ज़ेब्रा वगैरह, एलिफेंट वगैरह, टाइगर एलिफेंट सारे इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप 5 सेकंड के अंदर अंदर इसके अंदर दो छल्ले डाल सकते हो तो अपने नाम क्या वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है ब्लैकबेरी वाली वाटर गेम, ताकि ये वाली वाटर गेम आपको गिव अवे हो सके। और ये भाई बिल्कुल फोन की तरह दिखती है, देखो पीछे लोगो भी बना रखा ब्लैकबेरी का, फ्लैश लाइट और कैमरा भी दे रखा है। इसको भी आप अपने पॉकेट में बड़े आराम से रख सकते हो, लंच में खेल सकते हो। तो इसके बाद अब बारी आने वाली एक एलईडी लाइट चलने वाली, प्लस में म्यूजिक भी चलने वाली, एक सुपर हीरो की तरफ से आने वाली स्पाइडरमैन की एलईडी वॉच जो बहुत तगड़ी होने वाली है। देखो इसके ऊपर ना 3D फेस बना हुआ है स्पाइडरमैन का, तो इसको खोलते हैं इस तरह से, और इसकी जो स्ट्रैप पे आप देखोगे ना तो भाई एचडी में बना हुआ एकदम स्पाइडरमैन, ये रहा बेबी स्पाइडरमैन, ये इसका वेब का डिजाइन है, और ये जो आप कांच देख रहे हो भाई इसी के अंदर एलईडी लाइट जलती हुई दिखती है, और ये भाई बहुत सॉलिड नक्के बने हुए हैं। इसी की वजह से ना ये स्ट्रैप जल्दी से उखड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि आप जितना मर्जी मोड़ लो इसको कुछ नहीं होने वाला, और भाई प्रॉपर जो है ना ये एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है स्पाइडरमैन एक्चुअल में। और ये आप फेस देखोगे तो ये देखो भाई एकदम 3D बना रखा है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक कोई फोटो लगा रखी है। देखो इसका वेब का डिजाइन देखोगे वो बहुत सॉलिड है, इसकी आईज का डिजाइन वगैरह सॉलिड बना रखा है, प्लस में इसके अंदर आवाज आती है, इसको खोलते हैं तो ये देखो है ना, मतलब कितना ही ज्यादा सॉलिड। यहाँ से देखो भाई टाइम वगैरह आप सेट कर सकते हो, यहाँ से अलार्म वगैरह सेट कर सकते हो, और इतना ही नहीं जैसे बटन दबाते तो भाई एलईडी लाइट और म्यूजिक चलता है बहुत ज्यादा सॉलिड वाला। तो इसके लिए भाई हम एक लाइव डेमो पे चलते हैं, तो आज मेरे साथ एक लाइव डेमो, उससे पहले हमें लाइट्स को करनी पड़ेगी। और काफी ज्यादा ऑसम लग रहा है यार, और इसको खोल के देख सकते हो आप, यहाँ पर ना टाइम वगैरह भी बड़े आराम से हमें दिख सकता है, और यार ये म्यूजिक सुन के पॉपकॉर्न वाले भैया की याद आती है। लेकिन भाई इसके अंदर ना डांस भी कर सकते हो, पता है डीजे राज बिच्छी बिच्छी, या फिर हम जो है स्पाइडरमैन को खुद डांस करा सकते हैं, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चिराया मेरे दिल का चैन हो। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज भाई ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना इसके अंदर लाइट है, देखो भाई लाल कलर की, नीले कलर की, गुलाबी कलर की, हरे कलर की, क्या जगमगा रही है भाई, बिच्छिक बिच्छिक करके जलती है। ये देखो टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग डिंग, सुपर है यार भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो गया। और ये देखो यार मतलब हाथ पे इतनी बढ़िया लग रही है ना इसका लुक वगैरह, वैसे यार पता इसके लुक के ही तो पैसे भाई, ये जो इसका जो 3D फेस है बहुत सॉलिड लग रहा है यार, जब आप इसको पहन के चलोगे तो सब पूछने वाले कि भाई ये इतनी क्लासिक लग रही है ये कहां से ली है। तो आज मैं नहीं बताने वाला क्या बोलना है, क्योंकि आप जानते हो क्या बोलना है, और ये वाकई में बहुत कूल लग रही है भाई। स्पाइडरमैन के असली फैन आप ही लगने वाले हो, लेकिन यार ये इतनी अच्छी मेरे हाथ पे नहीं लगती, मुझे पता है ये आपके हाथ पे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आपके हाथ पे ना मेरे से ज्यादा अच्छी लगती है चीजें। अगर आपको इस तरीके की भाई स्पाइडरमैन वाली वॉचेस ज्यादा पसंद है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना स्पाइडरमैन वाली एलईडी म्यूजिक वॉच, ताकि ये वाली एलईडी म्यूजिक वॉच आपको गिव अवे हो सके। तो इसके बाद देखने वाले हैं एक भाई साहब किसान वाला ट्रैक्टर, यानी कि एक एक्सकेवेटर वाली जो मशीन होती है ना तगड़ी वाली, ये देखो इस पे फार्म कार लिखा हुआ, यानी कि फार्मर वाला ट्रक है, इसके ऊपर जीने दे रखे हैं, यहाँ से चढ़ के यहाँ बैठना, इस गाड़ी को आप बड़े आराम से चला सकते हो। और भाई इसकी जो तगड़ी चीज होने वाली ना, ये देखो भाई इसके शोकर, ये भी चलता है, ये वाला भी चल रहा है, और इतना ही नहीं भाई ये तीसरे चौथे भी चलेंगे, ये देखो यानी कि ये जो आप देख रहे हो ना प्रॉपर, और इधर देखो छोटी जगह पे थोड़ा सा ऑयल सा दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में ग्रीसिंग की तरह काम करने वाला है। और ये जो घूमेगा ना तो भाई ये आपको डायरेक्ट दिखते हुए चलते हुए, तो यानी कि 4x4 वाली जो गाड़ी है बहुत तगड़ी रहने वाली है। तो आज मेरे साथ एक लाइव डेमो पे, आप लोगों ने देखा होगा भाई साहब ट्रैक्टर को खड़े होते हुए वो भी डांस करते हुए, तो आज मैं जो आप लोगों को ये वाला ट्रैक्टर भी दिखाने वाला है। देखो कितना प्यारा लग रहा है, इसकी जो शोकर है ना इसकी स्प्रिंग की वजह से काफी ज्यादा अच्छे तरीके से चलते हैं, और एक बार इसको वापस ही भेजते हैं, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ना रेड कलर के अंदर। अब इसको भाई दीवार से टक्कर मारने वाला, 1 2 3 एंड गो। हो भाई साहब ये देखो कैसे रोबोट बन के डांस कर रही है, पूरे 360 डिग्री घूम घूम के स्टंट करती है, वाह यार कितनी प्यारी है ये, इसमें तो दिल आ गया, माइंड ब्लोइंग यार। ये बहुत ही तगड़ी होता है, जूम जूम करके जाता है ये ट्रैक्टर, और ये काफी ज्यादा सॉलिड लगता है। और भाई ये जो इसकी मशीन वगैरह ना प्रॉपर अच्छे से फंक्शन करती है, और अगर ये दीवार से टक्कर भी खा लेना तब भी इसको कुछ नहीं होता, क्योंकि ये काफी ज्यादा तगड़ा वाला देखने के लिए मिलता है आपको, और ये बहुत मजबूत भी है भाई। साथ ही में ये जो आप इसके आगे देख रहे हो ना एक्सकेवेटर से जो लगा हुआ है, जिससे कि हम कोई भी भाई मट्टी वगैरह बड़े आराम से उठा सकते हैं, मलबा उठा सकते हैं, इसके अंदर ही तो भाई सारा सामान उठाया जाता है। और ये आगे देखोगे हेडलाइट वगैरह, भाई बिल्कुल असली वाला ट्रैक्टर लग रहा है। और भाई ये जो इसकी स्प्रिंग वगैरह थी, ओए होए भाई इसकी वजह से
ना ये बहुत लचीला बन जाता है, तो खड़ा होकर ना 360 डिग्री भी डांस कर लेता है। तो अगर आपको इस तरीके के भाई फार्मर वाले ट्रैक्टर पसंद है तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है 4x4 ट्रैक्टर, ताकि ये वाला ट्रैक्टर आपको गिव अवे हो सके। और इसका साइज काफी बड़ा है, उससे बड़ा साइज है भाई इसका। तो इसको रखते इसकी जगह पे। और उसकी बात अगर कर ही रहे हैं तो भाई ये तो देखना बनता ही है ना, ये है भाई हमारा 4x4 मोस्टर ट्रक। और इसकी भी ये देखो 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे सोकर चलने वाले हैं, जिसको आप जैसे देखोगे तो ये देखो इसके अंदर भाई ग्रीस लगी हुई है, और यहाँ पर भी ये देखो कितने अच्छे से फंक्शन कर रहा है। तो इसका भी एक लाइव डेमो तो बनता है। तो भाई साहब अब जो ये मोस्टर ट्रक हमारा स्टंट करने के लिए तैयार है, और इसके हरे टायर इतने प्यारे लग रहे हैं यार, मैं आपको क्या बताऊं, ये 1, 2 एंड ये 3 भाई 360 डिग्री घूम गई है, तो डांस कर रहे हो। ओ भाई टक्कर खा के भी देख रहे हो ये यार, ये दो पहियों पे कितने चल लेती है यार, ये क्या है भाई, वाह यार, अरे यार अमेजिंग। मतलब कि भाई इसका जो लुक है ना वो सच में बहुत बढ़िया है। देखो आगे भी इन्होंने बहुत तगड़ा सेफ्टी के लिए लगा रखा है, एक उंगली का गैप है ताकि अगर कुछ लगे ना तो ये मुड़ जाए, लेकिन इसके ऊपर चोट नहीं आनी चाहिए। और पीछे भी इन्होंने एक उंगली का ही फासला दे रखा है। और ये जो स्प्रिंग वगैरह भाई ये इसके शोकर बहुत तगड़े रहते हैं। ये देखो ये ऊपर वाले जहाँ ये जीना है ना, जहाँ से चढ़ के हम ऊपर कार में बैठते हैं, ये देखो ये जहाँ तक इससे टकराता है बड़े आराम से। और भाई इसके व्हील वगैरह का जो कलर वगैरह बहुत ऑसम है। और ये ऐसे खड़े होकर ना भाई 360 डिग्री गोल गोल घूम के दिखाते ताकि डांस कर ले। और ये इसकी वजह से ना मुझे इसको बोलना पड़ेगा ये एक स्टंट कार है, यानी कि आप इसको जो है 4x4 मोस्टर ट्रक के साथ साथ स्टंट कार भी कह सकते हो। तो अगर आपको इस तरीके का भाई मोस्टर ट्रक बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, 4x4 होते हैं, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना मोस्टर ट्रक, ताकि ये वाला मोस्टर ट्रक आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। ये ले लिया भाई हमने अपने हाथ में एक ड्रम वाली स्लाइम, जिसको बैरल ऑफ स्लाइम बोलते हैं। ये देखो इस तरीके से खुलता है पॉपअप करते हुए, ऐसा लग रहा है ड्रम के अंदर कितना सारा भरा पड़ा है। और ये एक स्क्वैशी वाली है, लेकिन ये ना भाई बहुत चिपचिपी है, यानी कि अगर ये आपकी ड्राइंग पे गिर गई या फिर अगर ये आपकी शर्ट पे गिर गई तो भाई ये जड़ से ना चिपक जाएगी, ये छूटने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत सस्ती भी है ना, तो इसीलिए ये इसके अंदर लोगों ने भाई फेविकोल वगैरह मिला देते हैं, ताकि इसको लोग जो है भाई 10 रुपए में 20 रुपए में बेच सके, और इतने रुपए में यही मिलता है। तो लेकिन अगर आपको ये वाली स्लाइम पसंद है बहुत ज्यादा, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना ड्रम वाली स्लाइम, ताकि ये वाली ब्लू कलर की चमचमाती हुई स्लाइम आपको गिव अवे हो सके। और अब आ गई हमारे हाथ में हमारी दो भाई मिनी कूपर वाली कार, और ये एक विंटेज मॉडल है, जिसको भाई बंबल बी वाले करेक्टर पसंद है ना, तो आपको याद आ गया होगा कि ये वही वाली एक बीटल कार है जो बहुत ज्यादा प्यारी होती है, लेकिन मैं इसको मिनी कूपर भी बोल देता हूँ। और ये वाली जो है ये ऑरेंज कलर में, और ऑरेंज येलो ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत सुपर लग रहा है। और इसकी आईज देखो कितनी क्यूट लग रही है, कुछ कुछ। और जो दूसरा वाला भाई इसकी तो आईज देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत मासूम है, लेकिन भाई ये दोनों के दोनों बहुत शरारत करती है। इनकी जो हेडलाइट है ना ये भाई हिलने लगती है टुकड़ करके, वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है ये देखो भाई, पैरट ग्रीन से लेके ऑरेंज ब्लैक कलर तक और ये पिंक कलर तक सब कुछ बढ़िया, लेकिन मुझको ये बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी को ये भी कलर बहुत अच्छा लगता है, पर हम तो भाई दोनों देखने वाले ना, तो आ जाओ मेरे साथ एक लाइव डेमो पे। भाई रे ये देखो यार सुपर भाई कितनी ज्यादा ही अमेजिंग लग रही है यार ये गाड़ियां। इनकी भाई यही खास बात है कि इनकी जो आईज है ना ये बहुत तगड़े तरीके से हिलती है। और ये देखो ऐसा लग रहा है ना कितनी तेज इसकी आंखें नाच रही, रुक जाओ भाई बहुत ही ज्यादा शोर कर दिया। और ये देखो यार ये उल्टी हुई होके कितनी प्यारी लग रही है, दोनों की दोनों इस तरफ से ये दिख रही है, तो इस तरफ से आप देखोगे तो ये दिखेगी, लेकिन ये दोनों की दोनों जो भाई कार है बहुत ज्यादा सॉलिड है। तो अगर आपको भी इस तरीके से आंख मारने वाली गाड़ी अच्छी लगती है कि गाड़ी आंख मारे तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिखना, और उसके आगे आपको लिखना है आइस ब्लिंक वाली कार, ताकि ये वाली जो गाड़ी है दोनों की दोनों आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो अब बारी आती है उन 15 लोगों को शाउट आउट देने की। तो ये 15 नाम, नैतिक, सैनी, बेद्या, रीना, जोया, रोजी, मोंटी, सरलदीप, धानुक, अंशमा, नोनू रावत, आर्यन ओझा, अंश धनवल, विनायक, और हैप्पी बर्थडे टू यू जानवी एंड रक्षिरा समाल खान, आप दोनों को आपके जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इन 15 लोगों में से एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि 3 लोगों को मिलने वाला भाई सरप्राइज गिव अवे, जिसमें से कि एक 360 कैलकुलेटर वाली ज्योमेट्री बॉक्स होने वाले, जिसके अंदर मैग्नेटिक लॉक देखने के लिए मिलता है। साथ ही में भाई होने वाली है एक डाईकास्ट मॉडल कार, जिसके अंदर ये फंक्शन मिलते हैं, मतलब ये पुल बैक होकर चलती है, दोनों गेट खुलेंगे, लाइट चलती है, प्लस में सबसे तगड़ा जो चीज इसके अंदर भाई साउंड भी चलेगा, यानी कि हॉर्न बजने की आवाज आती है और आगे से हेडलाइट जलती है। और ये जो गाड़ी है भाई ये टोयोटा की लैंड क्रूजर, जो बहुत ज्यादा नई की नई दिखती है। तो भाई ये जिन भी 3 लोगों को दोनों गिफ्ट मिलने वाले हैं उनकी वाकई में बहुत ही ज्यादा बल्ले बल्ले होने वाली है। तो अगर आप लोगों को बहुत सी सारी चीजें पसंद आती है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना वो वाला आइटम जो आपको बहुत पसंद है, ताकि वो आपको गिव अवे हो सके। और अगर आपको सारा का सारा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ टॉयज का पसंद है तो भाई करे इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, करे इसको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर। और अगर इस पर भी 2000 से ज्यादा लाइक्स, 2000 से ज्यादा शेयर और 2000 से ज्यादा कमेंट होते हैं तो ये सारा का सारा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ टॉयज का, जिसके अंदर रॉक क्लोर और 4x4 वाली हमर थार से लेकर के एक बबल गन तक शामिल है, सारा का सारा अल्टीमेट कलेक्शन कर दिया जाएगा गिव अवे 15 लोगों को शाउट आउट देके। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल के सब्सक्राइब, बाजू में दिखे बेल आइकन को, ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।